मोदी सरकार योगी सरकार गरीबों का हक नहीं दे रहे। कहते 5 लाख कहते मिले थे, कहा किसको 5 लाख मिला गया। नमस्कार, मैं अश्विन निषाद और आप देख रहे हैं इंडिया दिवोत्सव न्यूज। उत्तर प्रदेश के बांदा कानपुर हाईवे पलरा मंडी के पास एक ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर, एक महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें बांदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सवारियों से भरा एक टेम्पो चिल्ला से बांदा तरफ जा रहा था। पलरा मंडी के पास बांदा तरफ से आ रहे एक ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी और टेम्पो वहीं पर पलटी हो गई। टेम्पो के पलटते ही टेम्पो चालक वहाँ से फरार हो गया। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक भी वहां से ट्रक लेके फरार हो गया, जिसे चिल्ला पुलिस ने चिल्ला बाईपास पे पकड़ लिया और थाने ले गए। टेम्पो में सवार मृतक महिला का नाम राम श्री, उम्र 60 बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद 5 बजे उनकी डेड बॉडी उनके घर वालों को सौंप दी गई थी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। टेम्पो में सवार जो लोग घायल हो गए थे उनमें से एक ही घर के 4 लोग बताए जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आगे आपको दिखाते हैं। कितने जन सवार थे रिक्शे में? 4 जने हम रहे हैं अपने घर से। ट्रक यही जरे मारा है, जहाँ जहाँ हमारा बहनी बही रही है। अच्छा। यही जरे मारा है तो वह बहनी चिट्टी के अलग गिरी है, वो गाड़ी हो गई यहाँ से। चिट्टी के बहनी गिरी है, भतीजी गिरी है, मैं घुसी रही हूँ अंदर। बहुत नहीं रहा, मैं बेहोश हुई, एम्बुलेंस में लग गई हम हमसे, फिर अस्पताल में गाड़ी में लगी है पर आके फिर मुझे पर। और आपके घर के कितने लोग थे उसी में? बहनी आ रहा है। अच्छा, भतीजी रहा है, मैं रहा हूँ भतीजी के घर के रहा। चोट यहाँ लगी है पैरों में, लगी पैर में। तो आप लोग कहाँ जा रहे थे रिक्शे में? मायके जा रहे थे। तो कैसे हो गया एक्सीडेंट ये? अब आगे से ठेला आ गया जी, हम इधर से जा रहे थे तो बगल से ठेला लेकर टक्कर मार दिया, बस इतने में पलट गए हम। फिर चिल्लाते हैं कि बुआ हमको, हमारे बुआ का बचा ला, निकाला निकाल लिया। बहुत जाने आदमी खूब खड़े रहे वहाँ। अच्छा अच्छा, देखा रहा है खड़े, कोई कोई हाँ उठा नहीं रहा। एक बार इसके बाद जब एम्बुलेंस आई थी तब आदमी उठा उठा बैठा है। जिनकी मिट्टी हो गई है तो कौन लगती है आपकी? हमारी बुआ आई है, वो बुआ जाते हैं। इधर लगी है जी, इधर लगी है, अंदर खपरी में लगा। तो रिक्शे वाला था वो तो बच गया है, उसको तो चोट लगी नहीं? वो देखे एक नहीं मिला, सबको पूछेगी ड्राइवर कहाँ चला गया, ड्राइवर कहाँ गया, आपका कहाँ पता कहाँ भाग गया ड्राइवर। जितने एक्सीडेंट पर है अपना भाग टेम्पो वाला। टेम्पे में थे आप लोग? कितने लोग सवार थे उसमें? 7। 7 लोग थे। और कितने बजे की घटना है, कितने बजे हुआ था एक्सीडेंट? 10 सुबह में। हाँ। आप लोग कहाँ जा रहे थे? पपरेंदा जा रहे थे। हमारी अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रक वाला आपकी तरफ आके रिक्शे में मतलब टक्कर मार दी। मदद करने के लिए कोई आसपास में था कोई के नहीं था? कोई नहीं था, मेरी साली। अच्छा अच्छा, वो जो आपसे बात की थी वो निकाल ली थी उसके चाप में। हाँ, लगा था। आपको कहाँ लगी है चोट? हमको यहाँ। अच्छा, अंदर लगी है। हाँ, मैं जाकर देखा ये और मेरी साली की लड़की, ये खून बहाए 2 नंबर गेट में पड़ी थी। इनको देखा मैंने, कागज डॉक्टर से बनवाया, डॉक्टर से सही है वो हो, डॉक्टर चाहे जो रहे उसके, बट कागज बनवाया, अरे इनका कोई इलाज नहीं होता था। मैंने कागज बनवाया, फिर कागज वो जो कागज बना था चाय पीता था, खून लगवाया, जब वो चाय पी के आया तो कागज दिया, फिर इनके कागज बनवा इनके लिए। फिर मैंने श्रद्धा का देखा 3 नंबर में फिर इलाज। जब आप पहुंचे तब अस्पताल में भर्ती किया इन लोगों? हाँ, हाँ, उससे पहले नहीं किसी को दवा? सब बैठे थे। अच्छा, है ना, कोई दवा गोली इनके नहीं थी। अच्छा, पट्टी वट्टी कर दिया था? कुछ नहीं इनकी हुई, कुछ नहीं किया था, ऐसे ही ऐसे बैठे थे। आपके पहुंचने के बाद ही इनका इलाज शुरू हुआ, ट्रीटमेंट चालू हुआ। इनकी मिट्टी जब मैं इनका इलाज आया कराने, ये सुने
लिखा पढ़ी करता था, कहा तुम्हारी कौन है? मैंने कहा मेरी औरत की है बहन है बड़ी। कहा इनके लड़का ने, मैं कहा लड़का नहीं है, पुतौ पुताऊँ है, एक पुतौ थाने बैठी, एक है मई के। कहा आप चलिए पंचनामा के लिए चलिए। मैंने कहा बाबूजी रुकिए, मेरे आदमी आ रहे हैं। इस भाई जी मेरे पहुँचा, प्रधान भी यहाँ का पहुँचा। मैंने कहा जाकर प्रधान ने कहा इन तीन मरीज का देखता है, अब बाकी हम पंचनामा करा कर हम रहा। फिर वहाँ से पुलिस वाले आए, डॉक्टर गया घर गया। फिर पुलिस वाला आया, मैंने कागज दिया बनवा के 4:30 बजे पोस्टमार्टम इनका। अगर मैं नहीं पहुँचता तो इनकी कोई सुनाई नहीं। जब लड़का आ जाइए, एक मेरा भी लड़का आ रहा है, तो मैं जब आ जाएगी वो भी आ रहा है। इसके पहले कुछ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक गरीब व्यक्ति का कुचल के व्यक्ति चला जाते है, कोनो प्रशासन और शासन और कोनो सरकार कुछ नहीं सुन रही है हमारे गरीब व्यक्ति का।